नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे निफ्टी के बारे में, निफ्टी इंडेक्स की चर्चा करेंगे और निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उन सारे 50 स्टॉक्स की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने वाले हैं, कौन से स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट करने वाले हैं, जो ब्रेकआउट के नज़दीक है, उन सब की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों को कुछ दिन पहले यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को एक चार्ट पोस्ट मैंने किया था और चार्ट पोस्ट करके मैंने यहाँ पर बताया था कि देखिए हम यहाँ पर जो है एक चैनल में ट्रेड कर रहे हैं। वो चैनल मैंने आपको देखिए इस तरह से बनाकर दिया था और फिलहाल देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अभी हम बिल्कुल जो है इसके रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खड़े हैं और मे बी यहां से हम एक सेलिंग का प्रेशर देख सकते हैं। देखिए हम जब जब भी इस रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं, जो अपर ट्रेंड लाइन है हमारी चैनल की, हम यहां से नीचे की तरफ गिरते हैं। जब भी इसको टच करते हैं नीचे की तरफ, जब भी यहां भी टच हुआ है तो हम यहां पर कंटिन्यू नीचे की तरफ आए हैं। अब देखिए यहां पर ऊपर की तरफ जाकर अगेन हमने इस एरिया को टच किया है, अपर ट्रेंड लाइन को टच किया है। अब देखिए जब से हमने इसको टच किया है तब से हमने कोई ग्रीन कैंडल नहीं देखी है, हम कंटिन्यू रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ चलते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए इसके लिए जो सपोर्ट है बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़ा है। अगला सपोर्ट जो इसके लिए हो सकता है वो 14,880 से 14,850 के आसपास अगला सपोर्ट है। अगर 14,850 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हमारा यहाँ पर अगला टारगेट जो होगा वो 14,750 का होगा और अगला टारगेट 14,650 को होने वाला है। सो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं आज यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग हुई है और कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पर हमने कल क्लोजिंग दी थी। आज हमने देखिए गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम बिल्कुल सेम उसी स्विंग के पास गए हैं और ये जो एरिया था ये एक रेजिस्टेंस एरिया था 14,150 का। 14,150 का एरिया देखिए सबसे पहले कल हमने यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक किया था। अब सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने गैप डाउन ओपन के बाद हम इस एरिया को जरूर टच किया बट यहाँ पर हम सस्टेन नहीं कर पाए और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू नीचे। अब देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग जो बनती थी बिल्कुल क्लियर कट, अगर जो डे ओपन हुआ था डे ओपन के नीचे जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पर ट्रेडिंग ली जा सकती थी और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा एक मतलब डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिला जैसा कि बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए अब ये जो ऊपर की तरफ से जो ट्रेंड लाइन आ रही है और जहाँ से आज हम यहाँ पर बाउंस बैक हुए हैं, अब ये दो लेवल हमारे लिए की पॉइंट हैं। समझ लीजिए कि मतलब जब तक इन लेवल को टच नहीं करना है तब तक हम लोग ने ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं डालना है जब तक देखिए अब हम इस एरिया को क्रॉस नहीं करते। अब ये एरिया जो है ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो हमारे निकल के आ रहा है वो 15,050 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो जब तक हम 15,050 को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते तब तक बाइंग के लिए नहीं जाना है। अब देखिए हमको यहाँ पर किस तरह का सेटअप मिलना चाहिए, हमको कोई कैंडल यहाँ पर ब्रेक करे और वो ब्रेक करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, मान लीजिए 15,060 की क्लोजिंग आती है तो 15,060 के ऊपर ट्रेड लेकर हमारा टारगेट जो होना चाहिए 15,150 के आसपास, 160 के आसपास मीन्स हमको यहाँ पर 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो अच्छी बाइंग आएगी जिसको हम कह सकते हैं एक प्रॉपर जो वन वे जो हम बाइंग करते हैं वन वे मार्केट चलती है वो बाएंगी इस एरिया के ऊपर मीन्स 15,180 के ऊपर। जब 15,180 के ऊपर यहाँ पर निफ्टी क्लोजिंग दे देगी तो उसके बाद हमारा क्लियर का टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 15,420 के आसपास। तो यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा, ये हमारे बाइंग के ट्रेड है तो बाइंग के लिए हमको इस तरह का सेटअप देखना है। दूसरा हम देखते हैं अब सेलिंग के लिए सेटअप। अब सेलिंग के लिए जो सेटअप है जो आज हमने डे का लो लगाया हुआ है, मीन्स अगर हम बात करें जो आज का डे लो लगा हुआ है वो 14,900 के आसपास लगा हुआ है। अगर कल हम 14,900 का लेवल ब्रेक करते हैं, 14,900 के नीचे देखिए ट्रेड कब करना है, जब कोई 15 मिनट की कैंडल 14,900 के नीचे क्लोज कर दे तो उस कैंडल के लो के नीचे हमको जाकर ट्रेडिंग करनी है, वहाँ टारगेट हमारा 14,850 और 14,750 का होने वाला है। तो नज़र बनाकर रखिएगा, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहूँगा जैसा मैं करता रहता हूँ। देखिए मैं टेलीग्राम में आप लोगों को घंटे घंटे पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, आप बताते रहता हूँ कि अभी मार्केट सपोर्ट पर चल रही है, रेजिस्टेंस पर चल रही है, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने वाला है, या कोई ब्रेकआउट हो चुका है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करते रहता हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हमको कोई ऐसा स्टॉक है जो मतलब इंट्राडे में कुछ अच्छा कर सकता है, उसको हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला स्टॉक हम देख लेते हैं अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट देखिए हमारी यहाँ पर एक रेंज थी, जो रेंज थी ऊपर 560 की रेंज थी और नीचे की रेंज 500 की थी, तो मतलब यहाँ पर 60 पॉइंट की रेंज थी। अब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हमको देखिए 60 पॉइंट्स यहाँ पर
क्लियर कट मिलने वाले हैं, क्योंकि जो रेंज होती है वही हमारा टारगेट होता है। अब 60 क्या, यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा, अभी ये जो कैंडल है यही डिसाइड करेगी कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना है या नीचे लेकर जाना है। अब देखिए अडानी पोर्ट अगर ये देखिए 675 को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे, बट यहाँ पर अगर 628 को नीचे की तरफ यहाँ क्लोज करता है तो ये मोर रिलायबल होगा ट्रेडिंग करने के लिए। 628 को नीचे की तरफ क्लोज करता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 610 का होगा। अगला स्टॉक है देखिए हमारा एशियन पेंट। तो एशियन पेंट के लिए देखिए ये जो रेड ब्लैक कलर की हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जब जब इस लेवल पर आता है, जब जब इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है तो ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है। जब जब यहाँ पर देखिए 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, अब बिल्कुल देखिए अपने सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा है, बिल्कुल अपने ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ा है। अब देखिए इसको अगर बाउंस बैक होना है तो परफेक्ट जगह है, बट अगर ये बट मुझको लगता नहीं कि बाउंस बैक होगा, मेरे को लगता है नीचे का लेवल ब्रेक करेगा। अगर ये 2350 को नीचे की तरफ क्लोज करता है तो यहाँ पर क्लियर कट हमको 100 पॉइंट मिलने वाला है, टारगेट हमारा 2250 और 2240 का होने वाला है। तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा, अगर ये 2360 को नीचे की तरफ क्लोज करता है, ब्रेक करता है, तो यहां पर इंट्राडे ट्रेड लिया जा सकता है, टारगेट हमारा यहां पर 2300 का होने वाला है। तो अगला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक। तो देखिए मैंने बैंकिंग की वीडियो बना दी है और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके बताई हुई है, तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है मैंने सबकी एनालिसिस करके बताई हुई है, तो वीडियो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं हमारा बजाज फाइनेंस है। तो बजाज फाइनेंस देखिए ब्रेकआउट होने के बाद देखिए एक बार यहां पर रीटेस्ट होने के लिए आया, आप दूसरी बार यहां पर रीटेस्ट होने के लिए आ रहा है। देखिए अगर ये रीटेस्ट होकर यहां से बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इसके लिए जो सपोर्ट है वो 5300 और 5350 के आसपास है। अगर इस एरिया से बाउंस बैक होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इस एरिया को ब्रेक करके अगेन इस रेंज के अंदर आता है तो अगेन हम इस रेंज में आकर फंस जाएंगे और इसी रेंज में आकर ट्रेडिंग करेंगे। तो इस पर नजर बनाकर रखिएगा, अभी फिलहाल देखिए बाउंस बैक होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है, तो यहां पर अभी इसमें वेट करिए, पेशेंस बनाकर रखिए। तो इसमें अगर कोई इंट्राडे का ट्रेड मिलता होगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं बजाज फिनजर्व का है। बजाज फिनजर्व को देखिए बाइंग के लिए हमको देखना है 10,580 के ऊपर। 10,580 के ऊपर निकलता है तो टारगेट हमारा यहाँ पर देखिए 11,500 और 12,000 का मेरा पोजिशनली टारगेट है। तो इसको देखिए नजर बनाकर रखिएगा, 10,580 के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग के लिए देखना है। अगला स्टॉक देख लेते हैं बीपीसीएल। तो बीपीसीएल को देखिए मैं चार्ट आप लोगों को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए चार्ट मैंने बड़ा कर लिया है, अभी एक एरिया है हमारे पास ये 440 का। अब जब जब देखिए हम 440 के पास आते हैं तो हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब देखिए हम कब से इसको फॉलो कर रहे हैं, 30 जुलाई से। अब 30 जुलाई से लेकर के आज तक हमने 440 का एरिया अभी तक क्रॉस नहीं किया है। अब नज़र बनाकर रखिएगा, जब भी आज देखिए यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की गई है, बट यहाँ पर जो है क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गई है। अब यहाँ पर अगर 444-445 को ऊपर की तरफ कोई कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ पर हमारा अगला टारगेट जो होने वाला है 480 का होने वाला है। 480 के बाद टारगेट यहाँ पर 550 का होने वाला है। तो बीपीसीएल पर नज़र बनाकर रखिएगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के देखिए ये जो ट्रेंड लाइन हमारी है, ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल आसपास आकर इस टाइम में भारतीय एयरटेल ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर टेस्टिंग काफ़ी हो चुकी है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ये 5वीं बार आ जाकर यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। मे भी देखिएगा अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हमारा यहाँ पर क्लियर कट टारगेट जो है 550 का होने वाला है। पर देखिए अगर हम यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पर दिखेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ निकलता है, देखिए कोई बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद 625 के ऊपर क्लोजिंग दे तो यहाँ पर हमने बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज देखिए यहाँ पर अगर 570 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस होगा तो क्लियर कट यहां पर हम सेलिंग के लिए जाएंगे इंट्राडे में, टारगेट हमारा 550 के आसपास होगा। अगला स्टॉक है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानियन देखिए यहाँ पर अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ देखिए ये जो सपोर्ट था हमारे पास, ये सपोर्ट था 3400 के आसपास। तो 3400 का लेवल फाइनली देखिए इसने जो ब्रेक किया था 16 फरवरी को ही ब्रेक कर दिया था। अब हम यहाँ पर कंटिन्यू नीचे की तरफ चल रहे हैं। अगला सपोर्ट हमारा जो है मे भी देखिए हम यहाँ पर कहाँ पर रुक सकते हैं, 3300 का अगला सपोर्ट है और 3300 के बाद हम यहाँ पर रुकने वाले हैं 3250 के आसपास। तो 3300 का लेवल ऑलमोस्ट आज हमने टच किया था। अगर आज का डे लो ब्रेक करता है, मीन्स देखिए आज जो हमने लो लगाया 3320 का लगाया है, अगर 3320 का एरिया ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 3250 का लेवल बहुत जल्दी देखेंगे। अगला स्टॉक देखते हैं कोल इंडिया। तो कोल इंडिया को भी देखिए यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी दिनों से अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 152 का इसका रेजिस्टेंस है, 155 मान लीजिए, जब तक ये 155 के ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करता है तब तक इसमें बिल्कुल पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर जो डाउनफॉल जो आया था कोविड में मार्च महीने में, तो मार्च से लेकर के अभी तक हम 150 का एरिया क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जब हम 150 का एरिया क्रॉस करेंगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर जो है बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर देखिए 215 का
और अगला टारगेट 250 का होने वाला है, तो इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। फिलहाल इंट्राडे में इसमें कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं अपना, यहाँ पर अगला स्टॉक है हमारा यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी ने फाइनली देखिए ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया जब ब्रेक हुआ तो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में चार्ट भी पोस्ट किया था। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि 4830 के नीचे हमको क्लियर कट सेलिंग करनी है, टारगेट हमारा सेम जो यहाँ पर अचीव हुआ था। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए जो एरिया इंपॉर्टेंट है वो ट्रेंड लाइन को हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज देखिए इंट्राडे ट्रेडर हैं तो यहाँ पर 4730 के ऊपर यहाँ पर निकलता है तो आप यहाँ पर जो टारगेट आपका होगा वो 4800 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक देखते हैं आइशर मोटर। तो आइशर मोटर ने फाइनली देखिए अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया था वो इसके लिए आकर सपोर्ट बना। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद पहली बार रीटेस्ट हुआ, बट यहाँ पर दूसरी बार रीटेस्ट करने के लिए आया तो एरिया ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। इस एरिया के पास आकर हम ऑलरेडी बाउंस बैक हो चुके हैं। अब मे भी देखिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको 1 या 2 दिन वेट करना चाहिए इस एरिया को, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद मे बी कोई डोजी बैक कैंडल बन के कोई हैमर कैंडल बने या कोई रेंज बने और फाइनली जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो यहां पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। बट अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो भी मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा डाउनफॉल यहाँ पर देखने वाले हैं अगर आइशर मोटर का ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो। अगला स्टॉक देखते हैं ग्रासिम। ग्रासिम देखिए मैंने आप लोगों को ये लेवल पे बताया था जब ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया था, 1 फरवरी की ऑलमोस्ट शायद कैंडल थी ये, 1 फरवरी के बाद देखिए यहाँ पर जो इसका हाई लगा था 1130 के आसपास, 1130 के ऊपर के लिए बाइंग के लिए बताया था। अब देखिए ये ऊपर के लेवल पर जाकर कंटिन्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 वीक हो चुके हैं जहाँ पर ये ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहा है और एक ही लेवल पर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। मीन्स देखिए अब यहाँ पर बायर्स में जान नहीं है, बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेकर जा सके। सो यहाँ पर देखिए अब जो सपोर्ट एरिया है इसके पास वो सपोर्ट एरिया हम यहां पर ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया है 1170 के आसपास, 1170 का लेवल ब्रेक करेगा तो अगेन हम देखिए ये जो हम मेगाफोन चार्ट पैटर्न बना रहे थे तो इसी मेगाफोन चार्ट पैटर्न में आकर फंस जाएंगे। तो यहां पर नजर बनाकर रखिएगा इंट्राडे में अगर ये 1200 के नीचे क्लोजिंग करता है तो यहां पर टारगेट हमारा 1170 का होना चाहिए। अगला स्टॉक देखते हैं एचसीएल टेक। तो एचसीएल टेक में यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यू चैनल में एक ट्रेड कर रहे हैं और चैनल को फाइनली यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहे नीचे की तरफ, ना नीचे की तरफ और ना ही अभी ऊपर की तरफ ब्रेक की है, बट यहाँ पर आकर हम एक रेंज बनाना चालू कर चुके हैं और कंटिन्यू इसी को हम रेजिस्टेंस के रूप में फॉलो कर रहे हैं। अब ये 990 का एरिया जब तक नहीं निकलता तब तक इसमें ना बाइंग के लिए देखना है ना सेलिंग के लिए देखना है। देखिए जब मार्केट रेंज में फंस जाती है तो वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए नो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो ए प्रॉफिटेबल डे, सो इस बात को जरूर फॉलो करना है। अगर देखिए 990 एरिया ऊपर की तरफ क्रॉस करता हो तो हमारे यहाँ पर टारगेट जो है 1020 का और यहाँ पर देखिए 1060 का होने वाला है, तो इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। 990 का एरिया क्रॉस करेगा तभी इसमें हमने ट्रेडिंग करनी है। अगला स्टॉक देखते हैं हम एचडीएफसी बैंक। चलिए बैंकिंग की वीडियो बनी हुई है उसको देख लीजिएगा, हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प देखिए फाइनली देखिए ब्रेकआउट के बाद देखिए ऊपर कंटिन्यू, ये भी देखिए कंटिन्यू जाकर ऊपर 2 हफ्तों से एक ही एरिया पर जाकर सपोर्ट कर रहा था। मींस इसका जो हाई लग रहा था वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा था। अब देखिए कल यहाँ पर कितना शानदार यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ, देखिए जैसा आज हमने देखा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में जब रजिस्टेंस एरिया के बाद जाकर शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो मार्केट कितनी ज़्यादा नीचे गिरी। बैंक निफ्टी देखिए 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गई शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद। अब यहाँ पर नज़र बनाकर रखिएगा इंट्राडे ट्रेडर, देखिए 3365 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 3290 का होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प पे भी नज़र बनाकर रखिएगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन हमने देखी ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम फाइनली 4 टाइम ये ब्रेक कर चुका है। अब ये देखिए पीछे जो है इसके पास जो ये स्विंग एरिया है, अब इस स्विंग एरिया के पास आकर ये जो है बाउंस बैक हो सकता है। फाइनली इसने आज ग्रीन कैंडल बना दी है, अब इसको शॉर्ट करना है तो इसको 2120 रुपये के नीचे देखना है, 2120 के लेवल के नीचे देखना है। हाँ मे बी अगर ये देखिए आज का हाई क्रॉस करता है 2200 के ऊपर मंडे के सेशन में क्लोजिंग देता है तो टारगेट यहाँ पर 2225 और 2235 का होने वाला है। तो अगला स्टॉक देखते हैं हम एचडीएफसी। एचडीएफसी भी देखिए काफ़ी एक हाई पे हाई बनाता चले गया है बट यहाँ पर ऊपर के एरिया पे जाकर अब ये भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। जो सपोर्ट है इसका देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, अब ये सपोर्ट एरिया देखिए मैं आपको लेवल बता देता हूँ, ये जो सपोर्ट एरिया है ये बिल्कुल इसके लिए समझ लीजिए एक रामबाण बना हुआ है, इसके लिए रामबाण का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। ये एरिया ब्रेक होगा तो हम अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएंगे। ये ट्रेंड लाइन कौन सी है जो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से ड्रॉ करके रखी हुई है। अब देखिए मैं लेवल बता देता हूँ आपको, अगर हम 2700 के लेवल को हम नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं और
क्लोजिंग दे देते हैं, क्लोजिंग इज मस्ट, क्लोजिंग बहुत जरूरी है। 2700 के एरिया को क्लोज करके हम नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देते हैं, अगले दिन हमारे पास एक बहुत अच्छा सेटअप बनेगा सेलिंग करने के लिए, और ये ट्रेंड लाइन हमारे यहाँ पर सपोर्ट होगा। इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद हम अगेन यहाँ से बाउंस बैक हो सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारा ITC। तो ITC देखिए अगेन अपने मूड में आ चुका है, जो इसका मूड है कंटिन्यू डाउनफॉल का, कि मतलब मैंने नीचे ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है। देखिए कुछ टाइम तक हम इसमें अप मूव देखा हमने, बट यहाँ पर देखिए अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉलो इसने किया, 240 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के पास बाद से कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन ही इसके लिए एक आसरा बना हुआ है। अगर ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, यहाँ से बाउंस बैक होता है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए अगर हमने 210 को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो क्लियर कट हम 200 का टारगेट यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला स्टॉक है हमारा इंफोसिस। तो इन्फोसिस देखिए ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से मैं ड्रॉ, देखिए ट्रेंड लाइन जो है ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं, बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस हम जो हॉरिजॉन्टल के रूप में हम जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज मोर रिलायबल देन दिस ट्रेंड लाइन्स। तो वो सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं इन ट्रेंड लाइन की तुलना में। बट ट्रेंड लाइन को भी फॉलो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी हमको बहुत अच्छा ट्रेड देकर जाते हैं। अब देखिए हम कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर सेम हाई हम ऑलमोस्ट सेम लगा रहे हैं, जो हाई देखिए 1230 के आसपास हम बार बार जा रहे हैं और अगेन हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो नज़र बनाकर रखिएगा, 1330 1335 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा, हमारा टारगेट यहाँ पर 1385 का, और अगला टारगेट यहाँ पर 1450 का होने वाला है। अगला स्टॉक देखते हैं JSW स्टील। तो स्टील कंपनियां देखिए बहुत अच्छा कर रही हैं कंटिन्यू, बट यहां पर देखिए हमको मंडे में सेलिंग के लिए देखना है। 390 के नीचे, 390 के नीचे निकलता है तो यहां पर हमारा टारगेट जो है 380 और 375 का होगा। अगला स्टॉक हमारा LT। LT देखिए अपने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, अब रेंज को देखिए जिस तरह ब्रेक करेगा। अब ये जो ऊपर मैंने ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, रेजिस्टेंस, ये देखिए अब मैं इसको बड़ा चार्ट करके मैंने दिखाया, अब मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। ये जो हमारा LT है, तो ये 1590 और 1600, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। देखिए ये रेजिस्टेंस हमको कब फेस हुआ था, ये 3 जून 2019 को, मीन्स हमको एक साल पहले इस रेजिस्टेंस से हम गिरे थे, और ऐसा गिरे थे कि कंटिन्यू देखिए हम कहां तक आए थे, 650 तक, कहां से देखिए 1600 रुपए से हम यहां पर 600 तक आ गए थे। तो अगेन हम इसी रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, तो नजर बनाकर रखिएगा। ये जो मैं रेड कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो अगेन हम एक बड़ी मूव देखने वाले हैं। अगर देखिए इस ये जो एरिया है 1600 का, 1600 के एक बड़ी कैंडल कोई ब्रेकआउट करे और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, तब भी इस बड़े रेजिस्टेंस को हम पार कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो कैंडल देखिए आज बनी हुई है वीकली में, ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, तो थोड़ा अलर्ट होइएगा LT में। तो चलिए अगला स्टॉक देखते हैं MNM, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए मैं पहले डेली चार्ट कर देता हूँ, फिर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब महिंद्रा महिंद्रा का मैंने चार्ट खोल लिया है, ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई है, अब इसके लिए यहाँ पर जब भी आ रहा है देखिए, वो फर्स्ट टाइम आया है तो बाउंस बैक, सेकंड टाइम बाउंस बैक, थर्ड टाइम बाउंस बैक, अब मे बी अगेन ये चौथी बार इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर 860 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर कट टारगेट जो होने वाला है वो ये रेजिस्टेंस, जो देखिए यहाँ पर रेंज बनी थी, यहाँ पर जहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ये हमारा टारगेट होने वाला है। तो 830 के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, 800 के नीचे, 860 के नीचे निकलता है तो 860 के नीचे यहाँ पर क्लियर कट हम यहाँ पर 830 का टारगेट देखने वाले हैं। अगला स्टॉक है हमारा मारुति। तो मारुति ने देखिए फाइनली यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन जो जिस पर सपोर्ट लेकर बार बार बाउंस बैक होता था वो ब्रेक कर चुका है। ये ट्रेंड लाइन है, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, फाइनली देखिए इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, अगेन रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ गया है। अब ये सपोर्ट जो है देखिए, ये जो सपोर्ट जहाँ पर पहली बार ब्रेक करके आया था, मे बी देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बनाए, डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद अगेन ऊपर की तरफ निकल जाए। बट ऊपर की तरफ हमने ट्रेड कब लेना है, हमने ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ करनी है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए अब यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना और यहाँ से अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब हम ऊपर की तरफ के लिए बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर इसका लो ब्रेक होता है, 7150 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर 6900 का होने वाला है, बिल्कुल क्लियर कट। ऊपर के लिए देखना है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा उसी सिचुएशन में हमको बाइंग के लिए जाना है। अगला स्टॉक देखते हैं NTPC। चलिए मैं इसको देखता नहीं हूँ, हम देख लेते हैं रिलायंस को। रिलायंस देखिए, रिलायंस बहुत एक अच्छे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये देखिए एक बार यहाँ पर गए तो हम देखिए कितनी तेज़ी से गिरे हैं, अगेन इस एरिया पे गए तो कितनी तेज़ी से, मतलब देखिए ध्यान से देखिए इस चार्ट को जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स जब हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको टेस्ट किया है, बहुत तेज़ी से देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं और यहाँ पर हम नीचे की तरफ आए हैं। अगेन देखिए हमने इस जब एरिया को टेस्ट किया है तो देखिए कितनी तेज़ी से नीचे की तरफ आए हैं। अब
देखिए अगेन हम इसी एरिया के आसपास हैं कहीं, तो जब तक ये पिछला हाई जो लगा हुआ है, जो पिछला स्विंग लगा हुआ है, अगर ये एरिया ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाता है 2120 का, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी मूव देखेंगे। हमारा टारगेट जो है वो 2300 और 2350 के आसपास का होगा। बट यहाँ पर एक बार एक कैंडल क्लोज होने देना है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बने, ब्रेकआउट करे, नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम लगे, तो हम वहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर ये जो नीचे का पीछे का स्विंग लगा हुआ है, ये देखिए 2015 का, 2015 सन नहीं बता रहा हूँ मैं, 2000 लेवल बता रहा हूँ, 2015 का लेवल है, 2015 का लेवल ब्रेक हो और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, देखिए जब 2015 का लेवल ब्रेक होगा तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी होगी, तो और ये सपोर्ट एरिया भी ब्रेक हो चुका होगा। अगेन देखिएगा अगर इसको हमने ब्रेक किया तो बड़ी बड़ी कैंडलें बनेंगी और बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ हम नीचे आएंगे, जैसा हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखा है कि जब हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आते हैं। सो इस पर मैं रिलायंस पर मैं आप लोगों को एक डीप एनालिसिस करके मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दूंगा, तो इंतजार करिएगा। मेरे को थोड़ा टाइम मिले तो मैं इस पे बहुत डीप एनालिसिस करने वाला हूँ, आप लोगों को वीडियो बनाकर दूंगा। इसका मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा किस तरह से काम करता है, इसका मैं बिहेवियर बताऊंगा आपको कि रिलायंस किस तरह से काम करता है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ में देखिए फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तब यहाँ पर बाइंग के लिए जाना है। अदरवाइज ये अगर ट्रेंड नीचे वाली ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो ये जो सपोर्ट है हमारे पास, अगला सपोर्ट यहाँ पर 835 का है। सो नज़र बनाकर रखिएगा, अगर ये 870 का लेवल ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पर 35 पॉइंट्स की मूव यहाँ पर क्लियर कट मिलने वाली है। अगला स्टॉक हमारा है देखिए श्री सीमेंट। श्री सीमेंट को देखिए बाइंग के लिए देखना है ओनली 29,000 की क्लोजिंग के ऊपर, 29,000 के ऊपर क्लोज करता है तो बाइंग के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सपोर्ट एरिया है हमारे पास, ये सपोर्ट एरिया जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे अदरवाइज हम ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएंगे। देखिए मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, देखिए ये एक एरिया था, ये पहला स्विंग लगा हुआ था और फाइनली देखिए एक बड़ी कैंडल के साथ हमने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए एक रीटेस्ट करने के लिए ये रेड कैंडल बनी और अगेन देखिए हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलते चले गए। अब देखिए ऊपर के लेवल पर जाकर हम यहाँ से ट्रेंड बैंड हो रहा है, मीन्स देखिए एक यू शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक यू शेप बन रहा है, तो मतलब अगर ये यू शेप बनेगा तो क्लियर का टारगेट हमारा वही टारगेट होता है जहाँ से ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है। मीन्स मैं आपको बता दूँ तो यहाँ से ट्रेंड की स्टार्टिंग हुई है, तो यहाँ पर अगर देखिए ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया, क्योंकि ये रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस देखिए ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है, तो ये सपोर्ट एरिया अगर ब्रेक हो गया, 25,900 का लेवल ब्रेक हो गया, तो हम क्लियर का टारगेट यही देखने वाले हैं 22,500 के आसपास। तो इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा, बट यहाँ पर आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं इस एरिया के आसपास आने में, यहाँ पर कंफर्मेशन में, तो जैसा होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। बाकी देखिए अगर आप लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंट्राडे ऑप्शन ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहां पर मैं 4 से 5 कॉल वहां पर डेली बेसिस पे मैं वहां पर देता हूं। सो अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए, एंजल ब्रोकिंग में या अलाइज ब्लू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो हम प्रीमियम सर्विस जो हमारी 10,000 की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बना हुआ है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए मैंने ऑलरेडी एनालिसिस करके बताई है, यहाँ पर मैं छोटा सा मैं डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि देखिए 385 के नीचे निकलेगा तो हम अगेन जो है यहाँ पर एक एरिया है हमारे पास जहाँ पर हम गैप अप हुए थे, तो यहाँ पर 5% की मूव यहाँ पर क्लियर कट मिलने वाली है, इस पर जरूर नजर बनाकर रखिएगा, इस पर मैं पोजिशनल ट्रेड करने वाला हूँ। अगला स्टॉक है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा देखिए एक सपोर्ट ऊपर के एरिया पर बना था, तो यहाँ पर मैं देखिए चार्ट बढ़ा कर दिखाऊँ, देखिए वीडियो लंबी हो रही है बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को जब भी हम जाते हैं नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ गए देखिए अगेन नीचे की तरफ, इस तरफ गए यहाँ अगेन नीचे की तरफ, अब देखिए इस बार भी हम बिल्कुल नीचे की तरफ जाने वाले हैं। सो इस एरिया को टेस्ट हमने कर लिया है, अब नीचे की तरफ की तैयारी हो गई है। अब 600 का लेवल नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर टारगेट हमारा 550 के आसपास होने वाला है, या फिर ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन हमने रॉकी हुई है इसके आसपास आ सकते हैं। यहां पर हमको 2 सपोर्ट मिलेंगे, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा और एक इज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगा। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं, अगला स्टॉक हमारा है टाइटन। तो टाइटन को देख लेते हैं, टाइटन देखिए यहाँ पर एक असेंडिंग चैनल बन रहा था, असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर। अब देखिए ये जो एरिया हमारे पास बना हुआ है, मे भी देखिए हम यहाँ पर एम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का पैटर्न बन रहा है। सो देखिए अगर ये पैटर्न एक्टिव हो गया तो हम यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये टारगेट हमारा देखिए जहाँ से एम पैटर्न स्टार्ट होता है वहीं पर आकर ख़त्म होता है,
तो एम पैटर्न का ऐसा कुछ लॉजिक होता है। देखिए इस ये काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी मतलब ये बड़ा चैप्टर है, अगर हम बताने लगूँ तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, बट मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए अगर ये एरिया ब्रेक हो गया जहाँ पर इस टाइम खड़े हैं, अगर 1400 का एरिया हमने तोड़ दिया, 1400 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो हम बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है और ये हॉरिजॉन्टल भी है। तो यहाँ पर दो सपोर्ट है, मे बी यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए, अगर नहीं होता है नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो इतना बड़ा टारगेट हमको मिलने वाला है, तो इस टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। अगला स्टॉक है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी फाइनली देखिए जैसा भी हमने देखा टाइटन में कि टाइटन ने देखिए असेंडिंग चैनल को ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ अभी आ रहा है। अब यहाँ पर भी आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक ट्रेंड बैंड हो रहा है, ट्रेंड बैंड होने के बाद फाइनली देखिए आज इसने इस चैनल के अंदर आने की कोशिश जरूर की है। देखिए अगर एक बार ये कल क्लोजिंग इस चैनल के अंदर हो गई तो क्लियर कट टारगेट हमारा ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, मे बी हम यहाँ तक आ सकते हैं, 5700 के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर देखिए हमने यहाँ पर 6000 को नीचे की तरफ क्लोज कर दिया तो 300 का टारगेट यहाँ पर क्लियर कट मिलने वाला है। अगला स्टॉक है हमारा विप्रो। तो विप्रो में देखिए फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है, विप्रो में नज़र बनाकर रखिएगा। देखिए कब नज़र बनानी है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, देखिए वीडियो लंबी हो गई है इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारे पास नीचे इस तरह से है। अब ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से हमने ड्रॉ की हुई है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये ट्रेंड लाइन देखिए जब तक हम ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते, एक ट्रेंड लाइन और एक ये रेजिस्टेंस, अब ये एक ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए रेजिस्टेंस काम कर रही है और जो ऊपर हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ किया है ये भी रेजिस्टेंस काम कर रहा है। एक बड़ी कैंडल इसको ब्रेक करे, एक अच्छा वॉल्यूम हो, उसके बाद हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज देखिए जो नीचे से ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, ये देखिए चार्ट बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है नीचे की तरफ से कंटिन्यू इसी लेवल के आसपास हम आकर बार बार बाउंस बैक होते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर नीचे की तरफ का लेवल ब्रेक होता है, 420 को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर टारगेट हम 410 का देखेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। चलिए एक बात और कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल चैनल है। दूसरा देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं ब्रेकआउट की वीडियो डालते रहता हूँ, ब्रेकआउट के स्टॉक्स डालते रहता हूँ, मेरी जितनी भी एनालिसिस होती है वो सारी मैं अपनी शेयर करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट करने वाले हैं, कौन से स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के आसपास हैं, कौन से स्टॉक का कितना टारगेट है, वो सारी चीज़ें अपनी सारी पर्सनल चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।